साउथ इंडिया या द लैंड ऑफ मेनी कल्चर्स, और जहाँ पे टेस्टी खाने भी होते हैं। I mean, जब भी तुम किसी को साउथ इंडिया बोलते हो तो तुरंत ये सोचते हैं कि 200 इडली सांबर। देखो, बीइंग अ साउथ इंडियन आई कैन कंफर्म कि हाँ, यहाँ पे 200 इडली सांबर बहुत पॉपुलर है। मेरे घर में हफ्ते के 7 दिन में 14 दिन तो यही बनता है। और जब मैं किसी को ये बोलता हूँ कि मैं साउथ इंडियन हूँ तो लोग मुझे इडली बुलाने लग जाते हैं। I mean, मेरी एक स्कूल की दोस्त थी जो भी साउथ इंडियन थी, वो भी मुझे इडली बुलाया करती थी क्योंकि तेरा रंग गोरा है। ओ ये अब मुझे पता है तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन घूम रहा होगा कि अगर तू साउथ से है तो तू इतनी अच्छी हिंदी कैसे बोल लेता है। देखो, मैं बचपन से ही हिंदी कार्टून्स और मूवीज देख के बड़ा हुआ था। और बात रही मेरी इतनी अच्छी हिंदी बात करने की, वी हैव टू गो बैक टू द ओल्ड डेज, जब मुझे नया नया स्मार्टफोन मिला था और मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे टाइम वेस्टिंग एप्स डिस्कवर किए, जिससे मैंने नॉर्थ के कुछ दोस्त बनाए, इतने क्लोज फ्रेंड्स बनाए कि हमारी कॉल्स पे बात होने लग गई, एंड इतने क्लोज फ्रेंड्स की हरामी लोग अभी भी मेरे दोस्त हैं। स्टीरियोटाइप्स, ये हर जगह है, हर एक कल्चर और देश को लेके हम सबका अलग अलग स्टीरियोटाइप है कि कुछ देश में लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं, कुछ जगह पे लोगों को स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद है। लेकिन मुझे जो पसंद नहीं है वो है कि जब लोग तुम्हारे एसेंट और नाम को लेके ऐसे बोलते हैं, क्या भाई साउथ इंडिया से है तू? हाँ भाई, मैं साउथ इंडिया से हूँ। मगर तो ऐसे नॉर्मली क्यों बात कर रहा है? तुम्हें तो अयो अन्ना हमका नारियल पानी मांगता, हम साउथ से होता ऐसा बात करना चाहिए। एक मिनट, तेरा नाम क्या है? प्रदीप नाम है। आगे का बता। क्या तेरा नाम? वेणुगोपाल मुत्तु गोपाल चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी। 10 मिनट लेटर भाई, यज्ञ परम पील परम बत्तूर चिन्न स्वामी मुत्तु स्वामी अय्यर नहीं है। तुम्हारा लॉजिक तो ऐसा है कि जैसे मैं जापान चला गया और तुम लोगों के चेहरे सेंसर्ड क्यों नहीं है? क्रेजी मैन, वाताशी नो का वो खरा देते है क्या? ये सब टाइटल्स क्यों नहीं दिख रहे नीचे? ना, सब नॉर्थ वाले ऐसा नहीं होते जो कि बस तुम्हारा साउथ इंडियन होने के लिए और फनी हिंदी एसेंट होने के लिए मजाक उड़ाते हैं। नहीं, मेरे काफी नॉर्थ के दोस्त है हु आर लाइक गुड फ्रेंड्स विद मी, एंड मिलजुल के रहते हैं हम सब एक साथ। बट भाई, यू नो, जब फर्स्ट टाइम जब हमारी नई नई दोस्ती हुई थी और मैं लंच कर रहा था इनके साथ, भाई चम्मच लाना भूल गया क्या? नहीं, क्यों? ये हाथ से कौन खाता है भाई, चम्मच से खाना? जब भाई मैं बचपन से ही ऐसा खाता आ रहा हूँ। यार देखो, नूडल्स और फ्राइड राइस, इनके अलावा मुझे याद नहीं और कोई चीज जहाँ पे मैंने चम्मच यूज किया हो। ठीक है, मुझे बचपन से अपने मुंह से लेके अपने पिछवाड़े तक सब जगह हाथ का ही इस्तेमाल करना सिखाया गया है। यू भाई, खाना खा रहा था मैं, ये क्या बोल दिया तूने? क्यों भाई, तेरे पिछवाड़े से कॉटन कैंडी हकता है क्या तू? वैसे इस इंटरेक्शन के बाद मुझे पता चला कि नॉर्थ लोग अपना खाना चम्मच से खाते हैं। मे बी नॉट सब नॉर्थ वाले, क्योंकि मेरा इनमें से एक नॉर्थ का दोस्त है जिसको मैंने हाथ से डोसा खाते हुए देखा है। वाओ प्रदीप, दो सभी कोई चम्मच से खाता है क्या? अब साउथ इंडिया एंड गर्मी। ओ हाँ, मुझे इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, साला इधर खुद फ्रिज बोलता है कि कोई ऐसे चलाओ रे। और यहाँ गर्मी इतनी होती है कि गर्मी में मेरा दिमाग नहीं चलता तो मैं वीडियोस नहीं बना पाता क्योंकि मेरा दिमाग नहीं चल रहा था। वेल, अब टेंशन की बात नहीं, थैंक्स टू ईड्रॉ माइंड बाय वंडरशेयर। ईड्रॉ माइंड एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सॉफ्टवेयर है जो कि तुम्हारी क्रिएटिविटी को तुमसे बाहर लाने में मदद करेगा। अब जैसे कि ये मेरे ही काम आता है मेरे वीडियोस को प्लान करने में, हर बार वीडियो टॉपिक्स ढूंढना एक टफ टास्क है, साथ में उन्हें याद भी रखना होता है। बट विद ईड्रॉ माइंड ये अब इजी हो चुका है। पहले तो तुम इनमें से कोई भी माइंड मैप टेम्पलेट से एक टेम्पलेट सिलेक्ट करो, और तुम्हें इनमें से कोई टेम्पलेट पसंद नहीं आया तो तुम यहाँ इनकी माइंड मैप गैलरी से और भी काफी सारे टेम्पलेट्स एक्सेस कर सकते हो, जहाँ पे मैं अपनी फ्यूचर की वीडियोस का प्लान कर सकता हूँ और उसके बारे में डिटेल्स भी डाल सकता हूँ। और वन ऑफ माय फेवरेट फीचर इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग टूल, जो कि तुम्हें यहाँ पे स्लाइड शो वाले बार में मिल जाएगा, जिसकी मदद से तुम अपने दिमाग में जो भी आइडियाज आ रहे हैं उसको लिख के रख सकते हो ताकि बाद में उसे क्विकली यूज कर पाओ, जिससे तुम उसे भूलोगे नहीं। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि ईड्रॉ माइंड तुम्हें यहाँ पे हर एक चीज पे पूरा कंट्रोल देता है। इवन थीम्स में तुम यहाँ पे अलग अलग थीम सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से कलर असाइन कर सकते हो और अपने एंटायर माइंड मैप का लेआउट भी चेंज कर सकते हो। और जब सब कुछ रेडी है और तुम चाहते हो कि काश मैं इसका स्लाइड शो इसी में कर पाता रेदर देन यूजिंग पावर पॉइंट, गुड न्यूज मेरे दोस्त, ये तुम इसी में कर सकते हो। एंड फाइनली मैं इन्हें एक्सपोर्ट या फिर अपने पर्सनल क्लाउड में सेव कर सकता हूँ, या फिर मैं इस प्रोजेक्ट को अपने दूसरे दोस्तों को दिखा के उनसे सजेशन लेना चाहता हूँ तो वो भी कर सकता हूँ इसके रियल टाइम कोलैबोरेशन फीचर के साथ। वंडरशेयर ईड्रॉ माइंड एक फ्री कोलैबोरेटिव टूल है जो कि इन डिवाइसेस में भी अवेलेबल है। ईड्रॉ माइंड को तुम इस पेज से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
यू नो इन सब में मुझे फनी चीज क्या लगती है, मोस्टली जो लोग मुझे देखते हैं यानी कि तुम लोग नॉर्थ से हो और तुम लोगों को साउथ के बारे में बस इतना ही पता होगा कि इधर ग्रेविटी और फिजिक्स दोनों एग्जिस्ट नहीं करती। चल हट न्यूटन के बच्चे। बट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट द साउथ इंडियन पीपल्स, ये लोग बहुत क्यूट है एक्चुअली, और जहाँ तक मैंने देखा है हेल्पिंग नेचर बहुत होता है इनमें। बट ये सब तो ठीक है, व्हाट अबाउट साउथ के पेरेंट्स? भाई खुद के एक्सपीरियंस से बताओ तो ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आई डोंट नो तुम लोगों के पेरेंट्स कितने स्ट्रिक्ट है, बट मेरे साउथ वाले दोस्त हमेशा मुझे ये बोलते है कि एक रुपए तक खर्च करने नहीं देते। भाई यार समझ सकता हूँ मैं तुझे, यहाँ हमारे पेरेंट्स पैसों को लेके बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव है अपने खुद के बच्चों से भी ज्यादा, क्योंकि हमारे यहाँ के पेरेंट्स फ्यूचर के बारे में बहुत सोचते हैं, भाई बहुत, कि ये आगे काम आएगा, ये पैसे बचा के रख, बैंक वैंक में डाल, खर्च मत कर। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं स्कूल कैसे जाऊँ बिना बस के? बस वाला थोड़ी फ्री मिले जाएगा। अरे बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे ना तो हम पहाड़ चढ़ के। बस यार पापा आपकी वापस से ये स्टोरी, तुम भाई दिन दो ओ नानिष्टु नडकोन डोकते नानिष्टु हटकोन डोकते निकले जितने माता सुना बात मारे। सॉरी लैंग्वेज स्लिप हो गया। एनीवेज द नॉर्थ इंडियन फूड, हाँ तैयार रहो क्योंकि मैं अभी तुम्हारे फूड का रिव्यू देने वाला हूँ। मैंने पहली बार जो नॉर्थ इंडियन फूड है वो सरप्राइजिंगली अपनी छोटी मौसी के घर पे खाई थी, एंड सरप्राइजिंगली मेरी मौसी साउथ की थी मेरी तरह। देखो मैंने नॉर्थ वालों को साउथ की और साउथ वालों को नॉर्थ की डिशेस बनाते देखा है। मेरा जो नॉर्थ इंडियन दोस्त था वो मेरे से सांबार की रेसिपी पूछने आया था जो मैंने उसे दिया था थोड़ा घर ले जाने के लिए। बोल रहा था कि वो उसकी मम्मी को बहुत पसंद आया और अभी उन्हें वो रेसिपी चाहिए। ठीक है भाई ये ले। सो जस्ट लाइक दैट मेरी छोटी मौसी ने बनाए थे छोले भटूरे। एट फर्स्ट मुझे लगा मौसी ये पूरी के साथ बाजी है क्या? अरे नहीं बेटा ये है छोले भटूरे, खाके देख नॉर्थ की डिश है। आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मच, सोचा कि पूरी बाजी जैसा ही होगा, बट इतनी टेस्टी चीज मेरे आज तक नहीं खाई। फिर मैं जब भी मौसी के यहाँ जाता था उनके यहाँ पे जाने से पहले मैं उनको कॉल करके बोलता था हेलो मौसी हम आपके घर आ रहे। अरे वो तो पता ही होगा आपको। एनीवेज छोले भटूरे रेडी रखना, और हाँ किसी को बताना मत कि आपने छोले भटूरे बनाए हैं, सब मैं अकेला खा जाऊंगा। या एट द एंड ऑफ द डे देखो साउथ एंड नॉर्थ ये सब एक ही तो है। हाँ मैंने दोनों तरफ ये देखा है कि दोनों साउथ वाले नॉर्थ वालों का मजाक उड़ाते हैं, नॉर्थ वाले साउथ वालों का मजाक उड़ाते हैं, बट यार कोई भी ये नहीं देख रहा कि भाई नॉर्थ साउथ छोड़ो हम सब तो इंडियन सी है, साथ में मिलके रहना सीखो। दोनों के कल्चर बहुत सुंदर है और टेस्टी खानों से भरा है, लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? मैं तो एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ जो कि पूरे दिन अपने घर में बैठ के गेम्स खेलता रहता है। ये तुम लोगों को हर वीडियो में ज्ञान दे के एंड क्यों करना है? संदीप महेश्वरी की कॉपी। यो हाय, तो साउथ इंडिया के ऊपर मैंने फाइनली वीडियो बना डाली जहाँ पे मैं रहता हूँ, क्योंकि तुमने से काफी लोग मेरे से पूछते थे कि भाई साउथ इंडिया से है तो उसके बारे में वीडियो बना। सो या मैंने बना डाली, आई होप तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक ख्याल रखना, बाय।